तो और भाई लोग, क्या हाल चाल है। तो आज मैं छोटा सा ट्यूटोरियल वीडियो लाया हूँ कि कैसे आप अपने ट्रैफिक ट्रेंस को हॉन्क करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रैक व्यूवर, जो कि ओपन रेल्स का ही एक फीचर है। तो सबसे पहले ओपन रेल्स को ओपन करना है, फिर उसमें जाके ट्रैक व्यूअर को ओपन करना है। टूल्स में से जाके ओपन होता है, ये देखिए ट्रैक व्यूअर की विंडो पॉपअप हो गई। फिर फाइल में जाके सेलेक्ट रूट, कोई सा भी रूट, मैं ले रहा हूँ यहाँ पे कोंकण IR। और इसके बाद आपको पाथ एडिटर पे क्लिक करना है, फिर लोड पाथ, और उसके बाद कोई भी पाथ आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ 20924। और फिर देखना है कि इस ट्रेन का पाथ कहाँ से कहाँ तक है, और फिर ये भी देखना है कि आपकी ट्रेन, यानी कि जो ट्रेन आप चला रहे होंगे, वो कहाँ क्रॉस करेगी। जैसे मैं जो ट्रेन चला रहा हूँ वो यहाँ पे भटकल पे इससे क्रॉसिंग होगी, तो मैं यहाँ पे इनेबल एडिटिंग कर लूँगा सबसे पहले। और इस ट्रेन के पाथ पे मैं वेट पॉइंट डाल दूँगा, राइट क्लिक करके पाथ पे वेट पॉइंट, और वेट पॉइंट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक छोटी सी पॉपअप विंडो आ जाएगी, तो इसमें आपको वेट टाइम लिखा है तो 10 मिनट वहाँ से हटा दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए ब्लो हॉर्न का एक फीचर है, तो इसको आप इनेबल कर दीजिएगा, और कितने भी सेकंड्स के लिए आपको चाहिए कि मतलब हॉर्न बजे ट्रैफिक ट्रेन का, तो उतना आप लगा सकते हैं। और मैंने एक पॉइंट वेट पॉइंट वहाँ रखा है और दूसरा वेट पॉइंट मैं यहाँ रख रहा हूँ, तो बिल्कुल ही सेम यहाँ का भी प्रोसेस वही रहेगा। 10 मिनट यहाँ पे जैसे लिखा है, इसको भी 10 मिनट को यहाँ मतलब हटा देना है, और ब्लो हॉर्न के फीचर को इनेबल करके, और कोई मतलब कितने भी सेकंड्स, हाँ 10 से अंदर ही वैल्यू रहनी चाहिए इसकी, कभी भी इसके ऊपर नहीं जाती है, 10 के अंदर ही वैल्यू रहनी चाहिए इसकी। तो अब दो वेट पॉइंट सेट हो गए हैं, फिर सेव बात कर दीजिएगा, और यहाँ पे सेव बात हो गया, और इसके बाद बस यू आर रेडी टू गो। अब आप अपनी एक्टिविटी खेलेंगे तो आपको वहाँ पे रिजल्ट्स दिखेगा। तो आगे मैंने टेस्टिंग का एक वीडियो भी प्रोवाइड किया, आप देख सकते हैं इसमें।